नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेक्षक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे ICICI बैंक की, जो कि आप देखें 754 रुपये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म या भी बात करूँ शॉर्ट टर्म में कौन से लेवल बन सकता है, लेकिन यहाँ बात करूँगा मैं शॉर्ट टर्म के ऊपर, बिकॉज आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। क्वार्टर फोर की यहाँ पे डेट फिक्स हो चुकी है, जो कि आपको 23 अप्रैल लास्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले इस शेयर के अंदर और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न के लेवल्स पे बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टॉक में बाइंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पे लेवल्स को समझें और लॉन्ग टर्म की सिचुएशन पे ध्यान दें। टुडे के हिसाब से देखें तो काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में आप देखें पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी है फाइनेंशियल ट्रेड टेक्निकली तौर पर। दोस्तों यहाँ बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही कुछ फंडामेंटल नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में भी सिचुएशन काफ़ी अगर अच्छी हो सकती है, जो कि आप पॉजिटिविटी में ला सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए बाइंग लेवल्स नहीं है मेरे पास, बिकॉज अभी मैं रिस्की मानता हूँ। क्वालिटी आप देखें ICICI बैंक की गुड है, जो कि लार्जेस्ट कंपनी है ये प्राइवेट बैंक सेक्टर के अंदर। वैल्यूएशन देखें आप, फेयर देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ट्रेड भी वेरी पॉजिटिव है। इसको लेके मैं लॉन्ग टर्म की सिचुएशन आपके लिए प्रेफर करूँगा कि आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। क्वार्टरली आप देखें लगभग यहाँ पे काफ़ी अच्छा हाईली प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस शेयर के अंदर। इंटरेस्ट अर्निंग काफ़ी अच्छा है 22,000 करोड़ का। बात करेंगे यहाँ पे 1 ईयर के रिटर्न 30% बढ़ चुके हैं अभी, और इंडस्ट्री या प्राइवेट बैंक की है। मार्केट के 5,18,000 करोड़ का है। प्राइस बुक वैल्यू 3 रुपये। यहाँ पे डिविडेंड जो अब दे रही कंपनी 0.27% है। इसको लेके मैं दोस्तों बताऊंगा कि यहाँ पे अगर शेयर होल्डर पैटर्न आप देखें प्रमोटर्स में कोई चेंजेस नहीं है। बात करें यहाँ पे FIs 45%, म्यूचुअल फंड 28%, इंश्योरेंस कंपनी 12% एंड DIs 3% एंड पब्लिक के अंदर 10% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये कहूँगा चार्ट पैटर्न के लेवल्स आप देखें तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आप बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करूँ 754 एक हाईली देखने को मिल रहा है, जो कि आप एक लेवल्स बना सकते हैं लगभग 23 अप्रैल, जो कि क्वार्टर फोर की डेट है ICICI बैंक की। तो यहाँ पे 730 के लेवल्स आपके लिए लास्ट जो है मैं यहाँ पे बाइंग लेवल रखने वाला हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी बिकॉज अगर कोई भी एक बड़ी न्यूज़ या फिर बात करूँ एक नेगेटिव न्यूज़ रहती है तो मार्केट में आपको एक पेशेंस के साथ 730 पे बाइंग देखने को मिलेगा। मार्केट अगर यहाँ पे बुलिश रहता है तो भी आपको एक लेवल्स तो यहाँ पे 740 का मिल ही जाएगा। तो 730 से 740 के आसपास आप एक बाइंग रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे अगर बात करें शेयर के जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर बात करूँ 23 अप्रैल तक यहाँ पे शेयर का प्राइस क्या रहने वाला है, तो लगभग 800 के लेवल से यहाँ पे एक रहने को देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे एक बार वापस बता देता हूँ, 730 के आसपास बाइंग करना है, 730 से 740 के आसपास बाइंग करना है। सेल करना है आपको 760 से लेकर 780 के बीच में। तो ये लेवल्स आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स के आप लेके निकलने वाले। लाइक और शेयर जरूर वीडियो को। धन्यवाद।